तो हाँ, तो भाई फाइब्रो एप्लीकेशन का विड्रोवल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको क्या करना है, कैसे आप यहाँ पे रॉयल टोकन को यहाँ पे INR में चेंज कर सकते हो, नहीं अपने रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बस पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, है ना। और रॉयल टोकन को जल्दी से जल्दी दोस्तों यहाँ पे सेल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता दिया है, वीडियो थोड़ा लेट बन रही है बट मैंने टेलीग्राम पे बता दिया मेरे यूजर्स को। अभी आपको कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पर ग्लोबल का ही मेन चैनल है और यहाँ पे नोटिफिकेशन पहले ही आ चुकी थी कि अनलॉक क्वांटिटी होगी अप टू, यहाँ पे लिखा है 20,000 तक आपको रॉयल टोकन आपके वॉलेट में, तो 20,000 टोकन पर डे, यानी एक दिन में आप 20,000 ही कर सकते हो टोकन। मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, टोकन की बात कर रहा हूँ ना। और जो आज शाम, यानी आज कितनी डेट है मैं आपको डेट बताऊँ, 10 अक्टूबर को ये यहाँ पे अनलॉक हो चुका है पूरी तरीके से, और विड्रॉवेबल भी हो रहा है। केवल फर्स्ट डे नहीं, पहला ट्रायल है, पहले में 8 घंटे के लिए वर्किंग, 8 घंटे के लिए रखा है इनने। दूसरे में देखिएगा, इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट फेज इन विद इन 8 आवर्स इन वर्किंग, 8 घंटे के लिए इन्होंने ओपन करा फिर क्लोज हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी दोस्तों ये काफ़ी अच्छी लूट है, और इसकी प्राइस मतलब जैसे ये पूरे तरीके से अनलॉक हुआ इसकी प्राइस बहुत डाउन हो गई है। देखो मैं अभी आप ओपन करके बताया, मैंने आपको बता दिया कि पर डे, पहले जान लीजिए, पहले पर डे आपको आप 20,000 टोकन ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। और मिनिमम विड्रोवल भी है 20,000 टोकन, है ना। अभी देखो मैं आ चुका हूँ कहाँ पे, यहाँ पे तो मेरे पास 153 डॉलर थे, यानी 153, यानी मेरे पास थे 28,000 टोकन्स, 28,000 रॉयल टोकन्स थे, है ना। अभी जिनमें से देखो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेल कर दिया कितना, अभी 8,000 मेरे पास टोकन बचा हुआ है, और मैंने यहाँ पे 20,000 मैंने कर दिया, 8,000 बचा है, और 20,000 की वैल्यू अभी देख सकते हैं USDT में, वैल्यू है केवल 46 डॉलर, है ना, 46 डॉलर है, यानी सॉरी USDT में है 48, जिसकी कीमत है 46 डॉलर। तो गाइस मैंने यहाँ पे कर लिया जस्ट अभी, यहाँ पे मैंने करा है और मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। अभी कैसे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूँ, है ना। पहले बहुत ज़्यादा प्राइस थी, 153 डॉलर थी, अभी कम होती जा रही है। मार्केट का ऑप्शन पे जाना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे सर्च करना है रॉय, है ना, रॉय सर्च करना, रॉय और USDT आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर। तो गाइस देखो सेल के ऑप्शन पे जाना है, सैंपलिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसका फुल कर देना है। फुल करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे जाना मार्केट, और मार्केट का ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे इसको फुल कर देना है। अभी देखो मेरे पास कितने हैं, सिंपल सा 20,000 है, और यहाँ पे सिंपल सा रॉय सेल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ऑर्डर प्लेस यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि गाइस देख सकते हो ना, होने वाला है, यानी 15 अक्टूबर से शायद इसका विड्रॉवल भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अभी मैं आपको बता दूं कि रॉयल टोकन से जो मैंने USDT टोकन में करा है इसको आप कैसे किस में कर सकते हैं, तो इसमें आप TRX में लीजिए USDT को, है ना। अब USDT को TRX में कैसे कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूं। आपको जाना है मार्केट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, USDT, USDT सर्च करना है, और USDT के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है TRX यहाँ पे आ जाएगा, या आपको यहाँ पे टी आर, मैंने गलत कर दिया, अभी ज़्यादा मार्केट का ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ TRX और USDT यहाँ पे आ चुका है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सेल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा, अभी TRX USDT यहाँ पे करना है आपको, तो सेल नहीं करना है, सिंपल सा आपको बाय करना है। बाय किससे करना है, USDT से, है ना। यहाँ पे लॉजिक है कि आपको सिंपल सा यहाँ पे अगर USDT स्टैप होता तो आपको सेल कर सकते थे, अभी आपको बाय करना है किससे, USDT से TRX में। तो बाय का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसको कर देना है आपको फुल, जिससे आपके जो भी आपके USDT हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और बाय TRX का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, जैसे गाइस देख सकते हो। ऑर्डर हिस्ट्री में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं कंफर्म भी हो चुका है, मेरे पास अभी कितने TRX आ चुके हैं, 774 TRX आ चुके हैं ना, 46 USDT के। अभी मैं आता हूँ मैं माई बैलेंस में, और माय बैलेंस में जाने के बाद गाइस मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी 45 डॉलर, यानी 46 डॉलर के मेरे पास अभी कितने TRX हैं, 474 TRX मेरे पास हैं, है ना, इतने मेरे पास अभी TRX हैं। अभी आपको कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूँ, तो इसको आप अपने हिसाब से कॉइन DCX में ले सकते हो, कॉइन स्विच में ले सकते हो, या किसी में भी ले सकते हो आपके हिसाब से, है ना, आप जिसमें लाना चाहते हो उसमें ले सकते हो, है ना। और इसकी वैल्यू देख सकते हैं, अभी वैल्यू घटती भी जा रही है बढ़ भी रही है। आपसे एक निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी, आपने सेल नहीं करा तो रॉयल टोकन को सेल करो, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही डाउन चली जाने जाने वाली है, क्योंकि सब जितने भी टोकन मतलब कि रॉयल टोकन है सबको विड्रॉ कर रहे हैं, जिससे आपकी इसकी वैल्यू बहुत ही कम होने वाली है। तो गाइस सिंपल सा मैं आपको अभी अभी TRX को आप कैसे अपने INR यानी इंडियन रुपीस में चेंज कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि आप सिंपल सा TRX को कैसे ले सकते हो, किस में ले सकते हो, कॉइन DCX में ले सकते हो, और यहाँ पे मैं आता हूँ कॉइन स्विच में। तो कॉइन स्विच में अभी TRX बंद है, तो सिंपल सा मैं BZRX में लेके आपको बता देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो बस आप वीडियो पर बने रहिएगा, सिंपल सा आपको फंड का ऑप्शन पे जाना है ना। BZRX की ID नहीं है तो कॉइन DCX में लीजिए। अगर आपके पास कोई भी ID नहीं है तो सिंपल सा आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, @ID। मैं आपको यहाँ पे सेल करके आपको इंडियन रुपीज में पैसा दे दूंगा, है ना। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको जानना है यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पे, यहाँ पे सर्च करना है TRX। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद सिंपल सा डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सको मिनिमम डिपॉजिट इतना आप कर सकते हो, जिन मेरे पास 472 TRX है, तो इसका आपको कॉपी कर लेना है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, इसका जो एड्रेस है ना। अभी जाता हूँ मैं रॉय टोकन पे, सिंपल सा मैं आ गया हूँ रॉय पे, रॉय एप्लीकेशन में। सिंपल सा मैं विड्रॉ का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन में मैंने क्लिक करा, यहाँ पे देखो विड्रॉवल इज अनेबल इन 40 ईयर्स आफ्टर फाउंड आउट पासवर्ड। दोस्तों अभी मेरा विड्रॉवल नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा वो मैं इसका रीजन बता देता हूँ। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने अभी पासवर्ड जो है ना वो फॉरगेट करा है ना। इसके 24 आवर्स बाद मैं आपको इसी वीडियो को कंटिन्यू करके आपको बता दूंगा कि कैसे आप कर सकते हो। भाई फिर भी मैं आपको बता दूँ तो देखो आई गॉट का ऑप्शन में मैंने क्लिक करा। अभी विड्रॉ कैसे करना है, तो विड्रॉ आप करेंगे ना, अभी देखो इसका मतलब कि मैंने 24 आवर्स के बाद यहाँ पे हुआ अलाउ, अभी मेरा यहाँ पे नहीं कर सकता मैं डिपॉजिट यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैंने पासवर्ड फॉरगेट करा था, इसलिए इनने डिपॉजिट सिस्टम मेरा अभी क्लोज कर दिया है 24 घंटे तक। 24 घंटे बाद मैं यहाँ पे विड्रॉ कर सकता हूँ। अभी मैं फिर भी बता दूँ कि कैसे आपको करना है। तो सिंपल से आपको विड्रॉ का ऑप्शन पे जाना है। विड्रॉ का ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको TRX जो है ना, TRX का यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे आपको अपनी जो यहाँ पे आपने कॉपी करा है ना BZRX से, BZRX का जो भी है, मतलब कि देखो ऐसे अपडेट का ऑप्शन है BZRX में, मतलब कि मैं आपको बता दूँ, इसको हटा देता हूँ पहले तो मैं, जो आपने कॉपी करा है इसका मतलब कि जो एड्रेस है ना, एड्रेस है, एड्रेस आपको यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस पूछेगा और आपको कितने टोकन आपके पास TRX है उसने पूछेगा। उसने करने के बाद सिंपल से कर देंगे तो आपका इंस्टेंट के इंस्टेंट है ना, कुछ ही देर में 1 मिनट के अंदर या इंस्टेंट ही आपका जो भी विड्रॉवल होगा ना वो आपको यहाँ पे अपने इसमें कॉइन स्विच या जो भी, आप कॉइन स्विच में नहीं होगा, मैंने BZRX में करके बता रहा हूँ, तो BZRX में इंस्टेंट के इंस्टेंट आ जाएगा। तो जल्दी से कर लो और जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लो। वीडियो एक और मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। अभी मैं जल्दी में आपको वीडियो दे रहा हूँ जिससे आप जल्दी कर सकें, है ना। बस आप इसमें बाद में भी कर सकते हैं, केवल रॉय में आपको क्या करना है कि आपको रॉय से कन्वर्ट कर लेना है, इतना करना है, उसके बाद आप कर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, उसमें सेम में मेरा विड्रॉ करके बता दूंगा, है ना, INR में यानी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बता दूंगा। अभी मैंने पासवर्ड फॉरगेट करा है इसलिए नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।